हर वीडियो में बोलता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट DSN एल्गो है। DSN एल्गो करे बिना तो हम प्रोग्रामर बन ही नहीं सकते। अगर अभी 10% है चांस, तो एक एक्सपीरियंस लेके वो डबल 20% 30% चांसेस बढ़ जाते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स है, IIMjobs है, Naukri.com है, Hirist.com है, जस्ट सीधा अपॉर्चुनिटीज अप्लाई दिया, जो भी तुम्हारे को इंटरेस्टिंग लग रही है अप्लाई करो। मैंने एक देखा था अभी बंदा जिसने Amazon निकाली है उस कॉम्पिटिशन के बेसिस पे, तो देना होता है राइट। डिफरेंट कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करो, उसमें अच्छे करने की कोशिश करो, कोई अच्छा होगा कोई अच्छा नहीं होगा, बट हो सकता है जो अच्छा हो जाए वहां से अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हाय, मायसेल्फ पारिक हियर। सो यार, आज के सेशन में मैं एक कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करने वाला हूँ फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, एंड ये काफी लोगों के लिए यूजफुल होने वाली है, बिकॉज मोस्टली लोग जॉब्स ऑफ कैंपस ही निकालते हैं, और मैंने इसके लिए काफी सारे स्टूडेंट्स कंसिडर करे कि जिन्होंने ऑफ कैंपस निकाली है, व्हाट वर्क वेल फॉर देम, क्या उन्होंने स्किल्स अर्न करी थी कि वो ऑफ कैंपस जॉब्स आसानी से निकाल पाए। सो पूरा पाथ बताने वाला हूँ, कैसे कैसे क्या करना है, स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, एंड अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑफ कैंपस निकालने के लिए एक दूसरे की मदद बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब होना चाहिए। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, एंड सबसे पहले बात करते हैं स्किल्स की, है ना, कि हमें लर्निंग क्या करनी है ऑफ कैंपस जॉब अप्लाई करने से पहले। और इसमें मैं बोलना चाहूंगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी रोड मैप फॉर जॉब रेडी प्रोग्रामर, आई थिंक वो वीडियो तुम्हें देखनी चाहिए। उसमें मैंने पूरा बताया था कि वॉट स्किल्स वी नीड टू हैव कि हम जॉब रेडी प्रोग्रामर के लिए रेडी हो जाए, हमारे को क्या लर्निंग में करना है ना। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट DSN एल्गो है। DSN एल्गो करे बिना तो हम प्रोग्रामर बन ही नहीं सकते। सो शुरू में तो हमें DSN एल्गो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी स्किल्स बनानी पड़ेंगी, 4 से 5 महीने 6 महीने लग के DSN एल्गो सीखना पड़ेगा। उसके बाद स्पेशली फॉर ऑफ कैंपस पीपल, केवल DSN एल्गो से जॉब निकलने नहीं वाली, हमें तो कुछ एक्स्ट्रा चीज करनी ही पड़ेगी, है ना, हमारे को नहीं मिलेगी केवल DSN एल्गो के बेसिस पे जॉब, एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी। वो क्या हो सकती है एक्स्ट्रा चीजें, मैंने उस वीडियो में बताया, फटाफट से बता रहा हूं। अगर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का पाथ चुनते हो तो एंड गोल इज कैंडिडेट मास्टर ऑन कोड फोर्सेस, वो बनना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, बीच में रुक जाते हैं, अब फिर बोलते हैं यार जॉब नहीं लग रही। यार अपने आप को शोकेस करना पड़ेगा ना, अपने आप को बेचना पड़ेगा। किस चीज पे बेचोगे, मैं कैंडिडेट मास्टर ऑन कोड फोर्सेस हूं, अच्छा पॉइंट है बेचने के लिए। अगर तुमने वेब डेवलपमेंट चुना है, मेरा प्रोजेक्ट है और लाइव है, ग्रेट पॉइंट है टू सेल योरसेल्फ, है ना, लेकिन हमें पॉइंट चाहिए, छोड़ना नहीं है उसको बीच में। अब बोलेंगे लोग वेब डेवलपमेंट का गिटहब पे प्रोजेक्ट तो डाल दिया बट वो लाइव नहीं करा, यार फायदा नहीं है ना, लोग नहीं मानेंगे कि तू एक अच्छा वेब डेवलपर है। ऐप डेवलपर हो, ऐप प्ले स्टोर पे नहीं है, नहीं मानेंगे लोग कि तुम अच्छे ऐप डेवलपर हो, राइट। अच्छे से स्किल सीखो ऐप डेवलपमेंट की, है ना, उसको लाइव करो प्ले स्टोर पे। मशीन लर्निंग चुना है तो गिटहब पे लाइव करो, डेमो डालो कि वो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम तुम्हारा कैसे चल रहा है। शोकेस करना पड़ेगा, अपने आप को बेचना पड़ेगा, इन चार चीजों से खुद को बेचना पड़ेगा। केवल DSN एल्गो के बेसिस पे नहीं बेच सकते, हमें इन चार चीजों में एक जगह पक्का से फोड़ना पड़ेगा, है ना, तभी हमारे चांसेस इंक्रीज होते हैं। सो इन चार चीजों में से कोई भी एक चीज चुनो बट उसमें फोड़ दो एकदम, है ना, उसका एंड गोल अचीव करके रहेंगे हम, तब जाके हमारी एक लर्निंग पूरी होगी कि DSN एल्गो अच्छा है और एक एक्स्ट्रा स्किल है या तो कॉम्पिटेटिव या वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉयड या ऐप डेवलपमेंट या फिर मशीन लर्निंग। Now we are ready for our learning stuff. अब हमने सब कुछ कर लिया है, ठीक है, learning stuff के basis पे। Now the next thing is, अब मुझे jobs चाहिए। देखो मैं यहाँ एक चीज add करना चाहूंगा, तुम्हारे resume पे क्या क्या है, DSN algo है, तुम्हारे resume पे projects हैं, कुछ ना कुछ है। एक चीज की कमी है जो तुम face कर सकते हो, which is experience, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जॉब नहीं लगेगी, लग सकती है। अगर अभी 10% है चांस, तो एक एक्सपीरियंस लेके वो डबल 20% 30% चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो एक्सपीरियंस कैसे आता है, इंटर्नशिप्स के थ्रू। मुझे लगता है इसको सीखने के बाद हमें 2 से 3 महीने कहीं एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए, कहीं इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। और इंटर्नशिप पाना बहुत आसान होता है कंपेयर टू प्लेसमेंट्स, है ना। तो इंटर्नशिप से लर्निंग बहुत सही होती है, पैसे वैसे तो हम सोचते नहीं है, और हमारे पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है रेज्यूमे पे, एक फैक्टर आ जाता है कि प्रोजेक्ट तो करे हुई है, साथ में एक इंटर्नशिप भी करी, है ना। आई थिंक वी शुड फर्स्ट एम फॉर इंटर्नशिप्स। तुम डायरेक्टली जॉब भी कर सकते हो, मैं बताने वाला हूँ इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो कि जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, बट आई थिंक बीच में एक इंटर्नशिप्स का अच्छे से सुन लो एंड ये फॉलो कर लो, दैट विल रियली हेल्प यू, ठीक है। इंटर्नशिप्स किस में कर सकते हैं, अगर तुम वेब डेवलपर हो, स्टार्टअप्स बिल्कुल रेडी हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लोग लेना चाहते हैं बट लोगों को ढंग के लोग नहीं मिलते। अगर तुमने वो प्रोजेक्ट बना के आए हो, यू हैव द राइट स्किल्स, स्टार्टअप्स आर देयर टू हायर यू, मैं बता रहा हूं तुम्हें, इंटर्नशिप्स तो तुम्हें पक्का ऑफर करेंगे,
यार जोमेटो है, अर्बन क्लैप है, सबकी वेबसाइट है, सबको डेवलपमेंट चाहिए. सो बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स है, इंटर्नशिप ओपनिंग्स है, राइट? जॉब ओपनिंग्स तो है, इंटर्नशिप ओपनिंग्स भी बहुत सारी है, राइट? तो स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप्स निकालो. अगर वेब डेवलपमेंट है तो वेब डेवलपमेंट में निकालो, ऐप डेवलपर हो ऐप डेवलपमेंट में निकालो, मशीन लर्निंग है तो मशीन लर्निंग में निकालो. इंटर्नशिप्स जनरली अगर स्टार्टअप्स में चाहिए तो थोड़ी सी ये वाली स्किल्स में होता है. अगर केवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करी है तो प्रॉब्लम सेटर की इंटर्नशिप कर लो. सो कोडिंग निंजास में होती है, डिफरेंट डिफरेंट जगह प्रॉब्लम सेटर की इंटर्नशिप होती है जिसमें तुम प्रॉब्लम्स वगैरह बनाते हो, बहुत कुछ सीखते हो, तुम्हें एक्चुअली काम करना आ जाता है इंटर्नशिप से. एक्सपीरियंस का फायदा यही है कि तुम्हें किसी को ये नहीं सिखाना पड़ेगा कि यार इस बंदे को ये नहीं सिखाना पड़ रहा कि काम कैसे करते हैं. उसको अच्छे से काम करना आता है, उसको पता है प्रोडक्शन पे कैसे चलती है चीजें, उसको पता है कंपनीज कैसे काम करती है. बहुत वैल्यू ऐड करती है इंटर्नशिप. और जब वो रिज्यूमे पे आएगी, नाउ यू हैव एवरीथिंग, एक्सपीरियंस भी आ गया, प्रोजेक्ट भी आ गया, कॉलेज तो था ही, सब कुछ है हमारे पास, राइट? वी हैव एवरीथिंग. ये इंटर्नशिप वाला फैक्टर मिस मत करना. मैंने जितने स्टूडेंट से बात करी है सब लोगों ने बोला इंटर्नशिप वैल्यू ऐड करता है, ठीक है? बिकॉज वो एक्सपीरियंस बहुत यूजफुल होता है. नाउ वंस दिस इज डन, अब हमें सीखना है कि जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, राइट? रिज्यूमे रेडी है. अब जॉब्स के लिए बेस्ट तरीका जो होता है, फर्स्ट इज रेफरल. सबसे बेस्ट तरीका है, ऑनेस्टली इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं हो सकता. रेफरल गेन करने का तरीका क्या है? सबसे पहले कि यार तुम्हारे कॉलेज का अगर कोई सीनियर है जिसने फोर्ड रखा है, वो बेस्ट तरीका है. या तुम्हारे कोई रिलेटिव में है कोई भी जो तुम्हें रेफरल दिलवा सकता है, जिसको पता है कि यार ये मेरे कॉलेज का बंदा है, इसके पास राइट स्किल्स है, क्योंकि तुम्हारा रिज्यूमे अब तुम्हें बेचेगा, तुम्हारे पास इंटर्नशिप है, प्रोजेक्ट्स है, सब कुछ है, बेचने के लिए सारे पॉइंट्स है, अब तुम्हें बस एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए. वो तुम्हारे कोई रिलेटिव में हो सकता है, वो तुम्हारा कोई सीनियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. नहीं है तो लिंक्डइन तुम्हारा हेल्पफुल टूल है. लिंक्डइन पे रीच आउट करना पड़ेगा, कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे रिक्रूटर्स के साथ, उनको मेल करो. और एक रिक्रूटर को नहीं, बहुत सारे रिक्रूटर्स को, 20 से 30 रिक्रूटर्स को मेल करो. देखो मेरा ये रिज्यूमे है, आई एम रेडी फॉर एवरी जॉब, प्लीज हेल्प मी गेट दिस जॉब. एक अच्छा सा मैसेज बनाओ, लिंक्डइन पे रीच आउट करो, मेल करो रिक्रूटर्स को, पूरा एफर्ट डाल दो कि तुमने 100 से 150 जगह अप्लाई कर दी है, राइट? मैं बता रहा हूं इतनी जगह अप्लाई कर देते तो आराम से 10-12 जगह से रिप्लाई आ जाता है. बट अगर तुम करोगे ही 2-3 जगह अप्लाई तो नहीं आएगा यार, नहीं बैठे ना लोग, तो बेसिकली उनके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं. तुम्हारे पास सब कुछ है सेलिंग पॉइंट्स, बट फिर भी 100-150 जगह अप्लाई करना पड़ेगा और वो रेफरल एक जगह लेना पड़ेगा. और रेफरल देते हैं लोग क्यों? एक तो पहली बात, कंपनीज को चाहिए लोग, ढंग के लोग चाहिए. तुमने जब सब कुछ कर लिया तो तुम एक ढंग के आदमी हो, राइट? यू हैव एवरी स्किल टू गेट दैट जॉब, तो क्यों नहीं देंगे वो रेफरल? उनको तो बल्कि पैसे मिलते हैं रेफरल, अगर तुम सेलेक्ट होते हो तो उन्हें पैसे मिलते हैं जो भी तुम्हें रेफरल प्रोवाइड करता है. तो उनका तो काम है, उनको ढंग के बंदे चाहिए. सो रेफरल देना चाहते हैं लोग, उन्हें ढंग के लोग नहीं मिलते हैं बस, ठीक है? इस चीज को अपने दिमाग में रखो. जितना हम जो फर्स्ट पार्ट था ना लर्निंग में, जितना अच्छे होंगे उतना हमारा सेकंड पार्ट आसान होगा अप्लाइंग टू जॉब्स. लोग बहुत बोलते हैं यार मेरे पास स्किल है बट नहीं हो पा रहा. मैं तुम्हें बता रहा हूँ फर्स्ट पार्ट में मिसिंग होता है कुछ ना कुछ, वो अच्छे से फॉलो कर लोगे ना सेकंड पार्ट में तुम्हारे पास आसानी हो जाएगी, ठीक है? हमारे को रेफरल पे सबसे ज्यादा एम करना है. लिंक्डइन पे जॉब सेक्शन है, अप्लाई करना है, एक्टिव रहो लिंक्डइन पे, कहां कहां कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, जस्ट सी इट, अप्लाई देयर. कि मैंने अप्लाई कर दिया लिंक्डइन पे, जहां पर भी उनका यूआरएल था वहां पर अप्लाई कर दिया. डिफरेंट वेबसाइट्स है, IIMjobs है, Naukri.com है, Hirist.com है, जस्ट सी द अपॉर्चुनिटीज, अप्लाई दिया. जो भी तुम्हारे को इंटरेस्टिंग लग रही है अप्लाई करो, ठीक है? लर्न फ्रॉम देयर के भाई कैसे कैसे क्या करना होता है, जो स्किल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपना रिज्यूमे बनाओ, है ना? तो अकॉर्डिंग टू द स्किल अपना रिज्यूमे फिट बैठना चाहिए. तो थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ सकते हैं तुम्हें कि यार हो सकता है इसमें अगर वेब डेवलपमेंट है, अगर मैंने दो चीजें कर रखी है, वेब डेवलपर और अंडर डेवलपर, वेब डेवलपमेंट वाले को ऊपर करूंगा, है ना? तो थोड़े बहुत रिज्यूमे अपना डायनेमिक रखो कि तुम चेंजेस कर पाओ. तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंट डिफरेंट जगह अप्लाई कर पाओगे, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे. हमने रेफरल पे ट्राई कर लिया, हमने वेबसाइट्स पे ट्राई कर लिया जो हायरिंग वेबसाइट्स होती हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, थोड़े हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, जैसे गूगल के होते हैं, किक स्टार्ट है ना, कोड जैम कॉम्पिटिशन, तो राइट पता नहीं कब कहां हो जाए, राइट? क्या पता अच्छा कर दो कॉम्पिटिशन में. तो दो कॉम्पिटिशन, हैकर रैंक, हैकर अर्थ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन हो रहे होते हैं. मैंने एक देखा था अभी बंदा जिसने अमेजोन निकाली है उस कॉम्पिटिशन के बेसिस पे. तो देना होता है, राइट? डिफरेंट कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करो, उसमें अच्छे करने की कोशिश करो. कोई अच्छा होगा, कोई अच्छा नहीं होगा, बट हो सकता है जो अच्छा हो जाए वहां से अपॉर्चुनिटी मिल जाए. तो पार्टिसिपेट इन दीज हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कॉम्पिटिशन. जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना सीखोगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा थोड़ा लेस इफेक्टिव होता है बट कंपनी पेजेस जो होती है, जैसे अमेजॉन के जॉब सेक्शन है, गूगल के जॉब सेक्शन है, डिफरेंट कंपनीज के जॉब सेक्शन है,
जस्ट अप्लाई देयर. मुझे पता है थोड़ा आउटकम कम होता है, बट अगर अप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू द स्किल, तुमने देखा ये स्किल चाहिए, उस हिसाब से अपना रिज्यूमे बनाया, उनका एक लाइक सिस्टम होता है जो तुम्हारा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर सकता है. बट अगर तुमने इंटर्नशिप ऐड करी है, प्रोजेक्ट ऐड करा है, तो मोस्ट प्रोबेबली रिजेक्ट नहीं होगी, है ना. किस बेसिस पे हो सकता है, कुछ लोग कॉलेजेस के बेसिस पे कर देते हैं, कुछ लोग इस बेसिस पे कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है. बट ऑनेस्टली अगर ढंग का एक्सपीरियंस हो तो मोस्टली कंपनीज में तुम सेलेक्ट अच्छे से हो जाओगे. तो कंपनी पेजेस पे हार नहीं माननी है, अप्लाई करना है. एक तो पहली बात, इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें लगे रहना है. मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूं, 150 से 200 जगह अप्लाई करना होता है, तब जाके लोगों की कंपनी में जॉब लगती है. और इसमें एक चीज मेक श्योर कर लो, अपने आप को लिमिट नहीं करना कि मेरे को तो यार 3 ही कंपनी में जाना है, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा. यार आज मत जाओ, ठीक है, 6 महीने कहीं और करके चले जाओ ना, 6 महीने सैमसंग चले जाओ, फिर उसके बाद अमेजॉन चले जाना अगर वहीं जाना है. हो सकता है शुरू में मिलना मुश्किल हो यार, ऑन कैंपस भी सबकी थोड़ना लगती है अमेजॉन में, राइट, गूगल में सबकी थोड़ना लगती है, ऑन कैंपस कम लोगों की लगती है, ऑफ कैंपस में और कम लोगों की लगती है. तो यार एकदम 2-3 कंपनीज में थोड़ा ना कर सकते हैं हम, किसी कंपनी में जाएंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, फिर उसके बाद जो अपनी ड्रीम कंपनी वहां एम कर लेंगे, है ना. तो जब तुम जाओगे वो एक्सपीरियंस ऐड होता रहता है, रेदर देन लिमिटिंग योरसेल्फ टू 2-3 कंपनीज, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है. तो अपने आप को पहले तो अपने रीच बढ़ाओ कि मैं यार 20 से 30 कंपनी से मैं अप्लाई करूंगा, और नहीं हो रहा अगर इन 20-30 कंपनी में, तो शायद किसी कंपनी में जाके एक्सपीरियंस लेके फिर ट्राई करूंगा, राइट. दैट विल इंक्रीज योर चांसेस, दैट इज हाउ यू गो इनटू ऑफ कैंपस. मैंने बहुत सारे लोग देखे जो शुरू में TCS जाते हैं, फिर उसके बाद Amazon चले जाते हैं, फिर उसके बाद फर्दर Google चले जाते हैं. तो ऐसा होता है, राइट. एक्सपीरियंस जब लेते हो तो बहुत वैल्यू एड करता है तुम्हारे लिए, ठीक है. तो ऐसा थोड़ा ना जॉब में जाके फिर तुम्हारी स्किल्स कम हो जाएंगी, वहां तो सीखोगे ना, वहां पर तुम एक्चुअली प्रैक्टिकल स्किल्स सीखोगे. तो अपने आपको रोकना नहीं है, लगे रहना उसमें और सीखोगे, राइट. तो हमारा ये पूरा एक अप्लाइंग का प्रोसेस था. मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से करा था ना, तो तुम्हारा सेकंड पार्ट आसान हो जाएगा. तो अपने फर्स्ट पार्ट को पूरा खत्म करने के बाद अगर बीच में एक इंटर्नशिप ले लोगे, चांसेस बढ़ जाएंगे. नहीं लोगे तो सेम प्रोसेस तुम अप्लाई में कर सकते हो. इंटर्नशिप के साथ करोगे तो ज्यादा चांसेस होंगे, अगर केवल फर्स्ट प्रोसेस के साथ करोगे थोड़े से चांसेस कंपैरेटिवली कम होंगे, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन डिसाइड योर प्रोसेस, है ना. और इसको जितना जल्दी स्टार्ट कर लोगे इस प्रोसेस को, आई टेक अ गारंटी, मतलब 8 महीने से लेकर 1.5 साल तक अच्छे से एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट फोड़ दोगे, ठीक है. यू विल गेट इन टू ग्रेट जॉब्स. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कंपनीज वॉन्ट टू हायर, उनको ढंग के बंदे नहीं मिलते हैं बिकॉज उनका फर्स्ट पार्ट अच्छा नहीं होता. तो अपने फर्स्ट पार्ट को बहुत अच्छे से करो. रेफरल के लिए मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया, क्या क्या करना है, अच्छे से फॉलो कर लो और फोड़ दोगे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, है ना. एनी पॉइंट आई हैव मिस्ड, या तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज लीव इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट. तुम्हें कुछ और चीज लगती है कि यार मैंने कोई पॉइंट मिस करा, वो भी बताओ, राइट. एंड डेफिनेटली अगर प्लीज आई विल रिकमेंड कि अगर शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो डेफिनेटली शेयर कर लेना, दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ देम. ओके, ग्रेट.